हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर तमिल मूवी की। जी हाँ, ये मूवी जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, बट आप इसको देख सकते हैं अमेजोन प्राइम पे और ये आपको अवेलेबल है इन हिंदी सबटाइटल्स। यस, तो बताना चाहूँगी कि ये मूवी मैंने देखना क्यों स्टार्ट किया। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखती रहती हूँ इन जनरल कि कौन सी मूवीज़ अच्छी है, किस मूवी को देखना चाहिए, एंड बेसिकली आई एम अ कंटेंट लवर। सो जब मैं अमेजोन प्राइम पे गई और मैंने जैसे ही ये मूवी का सजेशन देखा, आई जस्ट वेंट टू वॉच द IMDB रेटिंग ऑफ दिस मूवी। और IMDB रेटिंग देख के मेरी आँखें फट गई, बिकॉज इस मूवी का IMDB रेटिंग है 8.6 और मैंने बहुत कम ऐसी मूवीज देखी है जिनका IMDB रेटिंग 8.6 या सब उससे ज़्यादा है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी और इन माई सरप्राइज जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट था उससे कहीं ज़्यादा अच्छी निकली ये मूवी। क्योंकि ये मूवी जो है इसमें आप मैं कुछ भी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं गई थी, बट आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर ये मूवी देखेंगे तो आप कौन से एक्सपेक्टेशन के साथ देखिएगा। आप एक्सपेक्ट कीजिएगा इसमें बहुत सारा ड्रामा, एक्सपेक्ट कीजिए इसमें बहुत ही सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत अच्छी सी एक्टिंग, बहुत अच्छी सी ट्विस्ट एंड बढ़िया सा स्क्रीन प्ले जो कि आपको हरदम अपने पास ये मूवी की कहानी ऐसे जकड़ के रखती है कि आपका मन नहीं करता कि आप खड़े होकर पानी पीने के लिए जाए या पॉपकॉर्न खरीदने के लिए जाए। तो बेसिकली ये मूवी की जो स्टार कास्ट है उसमें मेन लीड है अपनी अदिति बालन, शी हैज़ डेब्यूड, दिस इज़ हर डेब्यू मूवी एंड इसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं एंड विच इज़ प्रिटी फेयर बिकॉज उन्होंने इस मूवी में बहुत ही अमेजिंग सी एक्टिंग करी है। प्लस ये मूवी का डायरेक्शन है बाय द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अर्जुन प्रभु और इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है उस मूवी का डायरेक्शन करके। और ये मूवी की कहानी के बारे में बताते हुए, ये मूवी जब स्टार्ट होती है स्टार्टिंग में जो एक्ट्रेस है अपनी, शी इज़ बीइंग इंटरोगेटेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और उनके ऊपर ये चार्ज है कि उन्होंने 20 लोगों को बंदी बना लिया था। अब ये सोचा जा रहा है कि शी इज़ अ टेररिस्ट और ये पूछा जा रहा है कि आपका टेररिज्म के साथ कैसे कनेक्शन है, आप कौन से ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हो, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आरुवी जो है शी इज जस्ट स्माइलिंग, नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग। इट्स काइंड ऑफ वेरी वियर्ड कि वो कुछ बोल नहीं रही है इतने बड़े अफसर के सामने, पूरी की पूरी टीम लगी हुई है उससे पूछने के लिए कि उसका मोटिव क्या था एंड ब्ला 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 ब्ला, आरुवी कुछ नहीं बोल रही। तो उसके बाद बारी आती है एक के बाद जो कि उसके क्लोज वंस है उनकी। सबसे पहले बारी आती है उसकी बेस्ट फ्रेंड की जिसका नाम है जेसी। जेसी उसके साथ बचपन से है तो अरुवी के बहुत अच्छे से कुछ पल दिखाए जाते हैं उसके पापा के साथ। और मतलब आपको ये बहुत ही अच्छा सा एक प्यारा सा फादर और बेटी का रिलेशनशिप देखने को मिलने वाला है उसमें। फिर जैसे जैसे अरुवी बड़ी होती जाती है, शी टर्न्स अप इनटू अ वेरी नॉटी एंड थोड़ी सी कमीनी, थोड़ी सी नमकीनी, नटखट सी एक लड़की, अलहट सी लड़की जो कि जवान होते होते थोड़ी सी बहुत सी शर्मी, थोड़ी बहुत शर्मीली सी हो जाती है, थोड़ी बहुत ठहरी सी हो जाती है। और इन बीच ऐसा होता है कि उनके घर वालों को कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही क्रूअल सा स्टेप लेते हुए अरुवी को घर से बाहर निकाल देते हैं। अरुवी के पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है तो वो चली जाती है अपनी फ्रेंड के यहाँ, अपनी फ्रेंड जेसी के वहाँ। जेसी रहती है अपने पापा के साथ और जेसी इज़ वेरी मॉडर्न गर्ल और उनके घर में बहुत ही बहुत ही मॉडर्न सा माहौल है जिसमें बाप बेटी एक साथ बैठ के दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और अरुवी भी मतलब उस माहौल में ढल सी जाती है। फिर कुछ कारण सर वो वहाँ से निकल जाती है और वो मिलती है अपनी एमिली को। एमली के साथ वो रह रही, अच्छा टाइम स्पेंड करी, वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो लोग चालू करते हैं एक जगह पे काम करना। और वो जगह जहाँ पे वो सिलाई काम करने जाती है तो ऐसा होता है कि उसको अचानक से पता चलता है उसके पापा को हार्ट अटैक आया गया है और उनके घर वालों को पैसे की ज़रूरत है। तो वो अपने मालिक से पैसे मांगती है, 1,00,000 रुपये उसका मालिक उसको दे देता है। वो जाती है अपने घर पे पैसे लेके,
बट वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, हम तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते. सो नाउ अरूवी हैज़ द मनी, अरूवी हैज़ एमिली, सो दे बोथ फ्लाई अवे. भाग के वो लोग जाते हैं. कहाँ जाते हैं? एक साधु के पास जाते हैं. जाके वो लोग अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढने का ट्राई कर रहे होते हैं. और उसके बाद सीन आता है डायरेक्टली, जिसमें इंटरोगेशन हो रहा है एक डायरेक्टर के साथ, पुलिस ऑफिसर का. और ये डायरेक्टर कौन है? ये डायरेक्टर है एक बहुत ही अच्छे से शो का डायरेक्टर, जिसको हम सत्यमेव जयते के साथ रिलेट कर सकते हैं. बट इस शो का थीम ऐसा है कि उसमें दो पार्टीज होती है जिनका एक दूसरे के साथ झगड़ा चल रहा है. और जो यहाँ पे जिस अमित जैसे अपने आमिर खान ने रोल किया है, वैसी एक लेडी है, बहुत ही प्रतिष्ठित सी लेडी, उन्होंने किया हुआ है उनके बीच में मध्यस्थी का रोल. तो वो हमेशा लोगों के बीच में सुलह करवाने का ट्राई करती है. और इस मूवी में अरूवी जाके बोलती है कि तीन लोगों ने उसका फायदा उठाया है और उसको धोखा दिया है. तो ये है उस दिन की स्टोरी, उस शो की, जो कि तीन लोग हैं. उसकी फ्रेंड के पापा, उसकी जो कंपनी में काम करती थी उसका मालिक, और थर्ड वाला जो साधु, जिनके पास वो लोग जिंदगी का मतलब ढूंढने के लिए गए थे. तो बात बस इतनी सी है कि शी वॉन्ट्स देम टू अपोलोजाइज. अब वो लोग, तीनों लोग मान नहीं रहे हैं. तो और उसी बीच में अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है, एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से ये पूरा मामला उस शोरूम शो से निकल के पूरा पुलिस ऑफिसर की, मतलब पुलिस चौकी में आके ठहर जाता है. तो वैसा क्या हुआ होगा, किस वजह से ये मूवी ने इतना बड़ा टर्न ले लिया, इतना बड़ा ट्विस्ट ले लिया, और ये किस वजह से ये लोग इस वाले हालात में, ये देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी. और मेरा पर्सनल सजेशन है कि ये मूवी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मूवी मेरे ख्याल से इस लॉकडाउन में देखी हुई शायद सबसे एक्साइटिंग मूवी होगी. मेरे को अंधाधुन के बाद ये मूवी, ये पहली मूवी लगी है जिसमें इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है. और हाँ, मेरे ख्याल से आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए. अगर आप एक सच्चे मूवी लवर हो तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए. और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. और सब्सक्राइब के साथ साथ जो ये साइड में घंटी वाला बटन है ना, प्लीज़ उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियो नया डालूँ तो आपको पता चले. ठीक है, और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर.